नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आर्य पारसी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कलेक्टर घाट पर और हमारे पीछे कुछ स्थानीय लोग बैठे हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और चौथे चरण चुनाव भी हो चुका है और नामांकन भी सभी प्रत्याशी गाजीपुर के अपने अपने नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या रहेगा माहौल। नाम बता दें अपना। मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज जी, देखा जाए लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां लोगों से जनसंपर्क भी कर रही हैं, मिल रही हैं, क्या लग रहा है गाजीपुर की जनता का वोट? गाजीपुर जनता की वोट लड़ाई बहुत टक्कर के रहेगी। क्या हम लोग योगी से मोदी से कहा जाए कि हमारे गाजीपुर के लिए विकास करे, कोई मुँह नहीं कह पाए। हम चाहते थे कि हमारी हॉस्पिटल जो गई थी 100 बेड की, हमारी जो जिला हॉस्पिटल जिला गोरा बाजार चला गया है, जो गाजीपुर के लोग जनता के लिए बड़ी परेशानी होती है, 100 बेड के भी इमरजेंसी वार्ड बन जाता तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा मिल जाती है। तो इसी सब देख के मतलब ये बताइए, परिवर्तन होगा या यही रहेगा? इसी देख के परिवर्तन करने के विचार में हम लोग रहेंगे। किस बार जो मतलब भाजपा को प्रत्याशी को उम्मीद किया जिताया जाओ, योगी मोदी जी से अपना विचार रखा जाए जी। मेन समस्या यहाँ की शहर वासियों की है कि जो आज से 7 साल पहले जो पुराना जिला अस्पताल था जिसको लेकर गोरा बाजार कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो गया है और मेडिकल कॉलेज के अधीन यहाँ महिला अस्पताल चला। यहाँ की जनता का यही है कि अगर कोई प्रत्याशी जिला अस्पताल और महिला अस्पताल दोनों संयुक्त 100 बेड का अगर स्टार्ट करा देता है पुराने अस्पताल में, तो हम लोग उसी को